एक समय भारत का मुंबई शहर संकट में था। हाल के वर्षों में आबादी में विस्फोट हुआ था। रॉकी एक उज्जवल और महत्वाकांक्षी बच्चा था, हमेशा सीखने और अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन वो तस्करी की दुनिया से रूबरू हुआ और उसे अंततः अपने लिए एक नाम बनाने और गरीबी से बचने के तरीके के रूप देखा। अपने काम के खतरे और इलीगलिटीज के बावजूद रॉकी का कारोबार फलता फूलता रहा और वो जल्द ही शहर के सबसे सफल तस्करों में से एक बन गया। जैसे जैसे उनका धन और प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। वो मुंबई का सबसे बड़ा तस्कर बनना चाहता था और इसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। समय के गुजरते रहने के साथ रॉकी सोने की तस्करी के इस गिरोह का सरगना बन गया और वो जानता था कि सोने के व्यापार के आसपास के जटिल कानूनों को कैसे नेविगेट किया जा सकता है। रॉकी और उसकी तस्करों की टीम ने सोना मढ़वाया, मूर्तियों, गहने और यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न रूपों में सोने को छिपाकर भारत से बाहर सोने की तस्करी शुरू कर दी। तस्कर सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देकर भारत से तस्करी का सोना प्राप्त कर रहे हैं, जो अवैध आयात पर आंखें मूंद लेते थे। इसके बाद वे धनी खरीदारों को सोना बेच देते थे, जो अवैध सोने के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार थे। खरीदारों में अक्सर अमीर व्यापारी, राजनेता और यहां तक कि शाही परिवार के सदस्य भी थे। सोने की तस्करी का गिरोह कई सालों तक बिना पता लगाए काम करता रहा, लेकिन आखिरकार सरकार को शक हुआ। उन्होंने बाजार में सोने की अचानक से जांच शुरू की और अवैध आयात पर नकेल कसना शुरू कर दिया। तो इसके आगे क्या होता है, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। आपको बता दें कि एक ऐसी ही कहानी हम लोग देख सकते हैं KGF 3 में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। थैंक यू।